राजस्थान के चित्तौड़ जिले के क्षेत्र में सोमवार को गौ तस्करी की आशंका को लेकर भीड़ ने मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के उकला गांव तहसील पेटलावत के युवकों को पीट पीट कर गंभीर हालत कर दी, जिसमें एक युवक की मौत हो गई और उसी को लेकर बुधवार के दिन आदिवासी जनजाति विकास मंच देवास के बैनर तले बागली SDM कार्यालय पहुंचकर महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें बताया गया कि मध्य प्रदेश के दो युवक राजस्थान चित्तौड़ जिले के बेंगू क्षेत्र से कृषि कार्य करने के लिए बेलों को एक पिकअप वाहन में अपने गांव लेकर जा रहे थे। उसी दौरान राजस्थान के रायती गाँव के आगे बील खंबा चौराहे पर 20 से 25 लोगों ने गौ तस्करी की आशंका में पिकअप को रुकवाया और मारपीट शुरू कर दी। पुलिस के पहुंचने पर सारे आरोपी वहां से भाग गए, लेकिन पिटाई से दोनों युवकों की हालत गंभीर हो गई। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के पेटलावत तहसील के निवासी एक युवक गंभीर घायल है और एक युवक की मृत्यु हो चुकी है। जनजातीय विकास मंच द्वारा मांग की गई है कि घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों को जल्द से जल्द पुलिस गिरफ्तार कर मृतक और घायल युवक के परिवार को सरकार की ओर से 20-20 लाख की आर्थिक सहायता दी जाए, जिसमें कि घायल व्यक्ति अपना उपचार करा सके, वह मृतक के परिजन और उनके बच्चों की आर्थिक मदद मिल सके। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।